أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة هر قسم دي حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے جڑا اللہ ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا لجبال غوث اعظم علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ سبحانہو و تعالیٰ دی بابرکت ذات ازل تو کلی ہے، ابد تک کلی رہے گی، اور کل قیامت والے دن اللہ کلے دی ہی بادشاہی شہنشاہی حکمرانی اور سلطانی ہوئے گی. ایکو کٹھانو تھوڑی نماز کھول. انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ مکی مدنی سرکار جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی
अजमत वाली बरकत वाली जात वास्ते। हजरात मोहतरम, जिस मुकाम आलीशान में इस वक्त खुतबाए जुमा के अंदर तिलावत की है, ये मुकाम अल्लाह रब रहमान दी मुकद्दस किताब दा तेरवा सिपारा सूरत का नाम है सूरह इब्राहिम, और सूरह इब्राहिम दा आखिरी रुकू और उसकी पहली आयत मुबारक। इस दे अंदर अल्लाह पाक ने जुलम करन वालिया नु तंबीह कीता है, खबरदार कीता है कि मेरी मोहलत नूं ढिल ना समझो ते जुलम तो पास आ जाओ। अज दे खुतबा जुमातुल मुबारक दे अंदर मजलूम दी बद्दुआ, मजलूम दी मुंह दे विचो निकलन वाले अल्फाज तो बचना है। ओ जाहरी तौर ते अल्फाज नजर आते, ओ जाहरी तौर ते चंद जुमले नजर आते, लेकिन उस जालिम बंदे दे वजूद दे तीर नालों भी ज्यादा तेजी नाल बरसते हैं। जुलम तीन किस्म का होता है, एक है अल्लाह पाक की जात के मामले के अंदर जुलम, एक जुलम है जेड़ा लोगां दा लोगां ते करना, एक बंदे दा दूसरे ते करना। तीसरा जुलम है इंसान दा अपने आप ते जुलम करना। एक चौथी किस्म भी जुलम दी निकलती है कि इंसान दा हिमानात जानवरों ते जुलम करना। जितनिया भी जुलम दियां किस्मां ने इन सारिया किस्मां दे अंदर नुकसान जुलम करन वाले दा ही होंदा है। वबाल नुकसान सजा जुलम करन वाले नु ही बिलाखर भुगतनी पैनी। ओ मेरे अल्लाह दा वक्त मोहलत टाइम है ढिल मेरे अल्लाह दित्ती है। नबी मूसा ने ही सलातु सलाम दे फिरौन ने जुलम किया, अल्लाह पाक ने 30-40 साल तक फिरौन नु मोहलत दित्ती रखी, बिलाखर अल्लाह ने उन्हें डबो के गर्क कर दिता, उदी कौम दे सामने ही उन्हें गर्क कर दिता। नमरूद ने नबी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जुलम किया, उदों दे लोगां दे जुलम किया, बड़ा कुवत बड़ा ताकत वाला सी, अल्लाह ने ढिल दिती रखी मोहलत दिती रखी, अल्लाह की जो पकड़ आई ये बड़िया बड़िया दुनिया दियाँ ताकतां अल्लाह की ताकत दे अगे कुछ भी नहीं। बड़ा अपने आप नूं ताकतवर समझण वाला नमरूद अल्लाह की सब तो छोटी मखलूक दे अगे आजिज आ गया। अल्लाह ने अपनी कुदरत दे कामला दे नाल मच्छर दिमाग तक पहुँचाया, जदों दिमाग दे विच जा के घूमदा
अपने दरबारियों नूं कहिंदा है मेरे दिमाग च छेतर मारो मैनू सुकून मिलता है। जिन्हां ते जुलम करदा रहा उन्हां कोलों फिर रब ने छेतर भी मरवाए। इन्ना बदशा रब्बी का लशदीद, मेरे रब की ढिल ने मोहलत जुलम करने वाले वास्ते, लेकिन जो मेरा अल्लाह पकड़ता है फिर मेरे रब का पकड़िया कोई जमाने की ताकत छुड़ा नहीं सकती। और फिर मेरे रब का पकड़िया होया जमाने वास्ते लोगों वास्ते क्यामत तक इबरत का निशान बन जाता है। इस वास्ते जुलम शिरक की सूरत अंदर है, एक मुसलमान का दूसरे ते जुलम है, मुसलमान का अपनी जान ते जुलम है, मुसलमान का जानवर ते चौपाया ते हैवाना ते जुलम है, जुलम बिल आखर जुलम है। एदा हर सूरत ते अंदर नुकसान सिर्फ उस बंदे की जान ते होएगा जिहड़ा जुलम करन वाला है, और उन्नी देर तक माफ़ी नहीं होएगी जिन्नी देर तक मजलूम बंदे दे कोलो माफ़ियां नहीं मंग लेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस पाक, इन्नी हर्रम तो जुल्मा, अल्लाह फरमाते ने मैं अपने आप ते जुल्म नू हराम करार दे रहा है, हालांकि अल्लाह पाक नालों वध के ताकत वाली जात कोई नहीं, लेकिन अल्लाह फरमाते ने मैं जुल्म नू अपने आप ते हराम कीता है। ईमान वाले हो तुसी भी सुन लो, थोड़े ते भी मैं अपने जुल्म करना हराम कर दिता है। और अपने आप नू बचाना है, अपना दामन बचाना है, किसी गरीब ते जुल्म ना होए। रिश्तेदार अजीजो अकारब भैना भाई माँ बाप किसी ते जुल्म ना होए, अपने आप नू जुल्म तो बचाना है। जे जुल्म कर बैठे हो मजलूम बंदे को जाके उहदे पैर फड़ के माफिया मंग लो, मजलूम बंदे की जुबान चो जुमले ते कलिमात निकलन तो पहले पहले उहदे को माफ़ी मंग लो, नहीं तो मजलूम बंदे की जुबान चो निकले हुए कलिमात कभी भी अल्लाह रद्द नहीं जे करता। आइए जरा मैं चंद अहादीस और चंद कुरान दियाँ आयतां और एक दो वाकयात दे नाल बात समझाउण की कोशिश करना। दुआए अल्लाह पाक रहम दिली और शफकत और नरमी दे नाल जिंदगी गुजारन की तौफीक नसीब फरमाए, जुलम तो मेरा मालक सानू महफूज फरमाए, और मजलूम बंदियां दी मेरा अल्लाह मदद फरमाए। अल्लाह पाक दे कुरान दे जरा गौर करना, आवाज़ दिए अल्लाह फरमांदे ने, वयौमा यअज़्ज़ुज़्ज़ालिमु अला यदैहि यकूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ अर-रसूलि सबीला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमांदे ने क़यामत वाला दिन होएगा जिन्हें दुनिया ते जुलम दिया दास्ताना रकम कीतिया होणगियां, जिन्हें दुनिया ते रह के मुसलमाना ते जुलम कीता होएगा, वयौमा यअज़्ज़ुज़्ज़ालिमु अला यदैहि, वयौमा यअज़्ज़ुज़्ज़ालिमु अला यदैहि यकूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ अर-रसूलि सबीला। क़यामत वाले दिन अपने हथां ते ज़ालिम बंदे दंदियां वड्डणगे चक वड्डणगे, अपने हथां नूं चबा चबा के खाणगे, अपने हथां नूं चबाणगे ते नाल पता की आखणगे, या लैतनी
काश कि दुनिया ते रह के जुल्म वाला गुनाह ना कीता हुंदा, काश दुनिया ते रह के ऐ जुल्म ते ज़ियादतियां ना कीतियां हुंदियां। मार रसूल सबीला, अल्लाह ते रसूल दे रस्ते वाला एक तो रस्ता इख्तियार कीता हुंदा, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल वाले रस्ते ते चले हुंदे, जुल्म ना कीता हुंदा। कुराने पाक दा एक और मुकाम जरा सिवात फरमाना, अल्लाह फरमा देने वाला तहसबन अल्लाह गाफिला वला तहसबन अल्लाह गाफिला अम्मा यामल ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार। अल्लाह फरमांदे ने क़यामत वाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमांदे ने ऐ जिहड़े ज़ुल्म करन वाले लोग ने एक ही समझदे ने, सानूं पुछण वाला ही कोई नहीं। असी बड़ियां ताकतां वाले आ, असी बड़ियां कुव्वतां वाले आ, बड़ियां ताकतां वाले, सानूं कोई भी ज़माने अंदर पुछण वाला कोई नहीं, किसे दा किसे दी जुर्रत ही नहीं साडे अगे आ के ज़ुबान उच्ची नाल गल कर जाए। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह फरमांदे ने इन्नमा युअख्खिरुहुम, ज़ुल्म करन वाले हो कर लो जिन्ना ज़ुल्म करना है, मैं अल्लाह ने तुहानू मोहलतां दे दित्तियां ने, मैं अल्लाह पाक ने तुहानू ढिल दे छड़ी है। लियो मिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार, उस दिन तक ढिल दे दित्ती है जिदन अखा फटियां ही रह जाणगियां, जिदन बंदा मुजरमां दे हालात वेखेगा अखा खुलियां ही रह जाणगियां, अखा पाटियां ही रह जाणगियां। मोहलतां दित्तियां ने, ढिल दित्ती है अल्लाह पाक ने, अल्लाह पाक ने ढिल दित्ती है, मोहलत दित्ती है। अल्लाह फरमांदे ने जिन्ना जुल्म हुंदा है कर लो, कियामत वाले दिन सारे जुल्म दे बदले झुकाने पैणगे। कुराने पाक दा एक और मुकाम जरा समाज फरमाया जे, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूए मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिमा वकानल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमांदे ने किसे बंदे नू बुरी आवाज बुलंद करन दा इख्तियार नहीं, इल्ला मन ज़ुलिम, जिस बंदे ते ज़ुलम हो रहा है उन्हों इख्तियार है अपनी मदद वास्ते हाकम नू बुला सकदा है, अपनी मदद वास्ते किसे वडेरे नू बुला सकदा है। मजलूम बंदे नू इख्तियार है इहतजाज कर सकदा है, मजलूम बंदे नू इख्तियार है अपने हक लैण वास्ते इहतजाज कर सकदा है। कुरान पाक दा फैसला है, मजलूम बंदे नू इख्तियार है अपनी आवाज बुलंद करके हाकम नू सुना सकदा है, ते हाकिम दा हुक्मरान दा फर्ज बनता है के मजलूम बंदे दी मदद करे। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक विच पढ़े है, अल्लाह फरमांदे ने अल्लाह जालिम बंदे नू मोहलत दिंदे ने, अल्लाह जुल्म करन वाले नू मोहलत दिंदे ने, फिर जदो अल्लाह पाक जालिम बंदे नू पकड़न लगदे ने, फिर अल्लाह दी पकड़ तो ज़ालिम नू कोई छुड़ा सकदा। अल्लाह सिर्फ ज़ालिम नू नहीं पकड़नगे, नाल उस बंदे नू भी पकड़नगे जिहड़ा मजलूम दी मदद करन दी कुव्वत भी रखदा ताकत भी रखदा ते जान बुझ के मजलूम दी मदद नहीं करदा। वक्त दा हुक्मरान है या कोई ओहदेदार है या कोई किसे जगह दा बड़ा आदमी है, मजलूम दी मदद करन दी कुव्वत रखदा ताकत रखदा है, मजलूम दी मदद
नहीं करता। जेड़ा अजाब जालिम ते आएगा वही अजाब अल्लाह उस बंदे ते भी नाजल करनगे जेड़ा मदद करन दे बावजूद भी मदद नहीं करता। मदद करन दे बावजूद भी कश्मीरियां दे साढ़े सामने जुलम हुंदा रहा ना। इत्थे फवाद चौधरी दे घर वालियां दे जुलम हुंदा ते मैं वेदा हाँ भला नहीं उत्थे पहुंचता। किसे वडेरे दे वजीरे आजम दियां धीआं ते बेटियां ते पुत्रां दे जुलम हुंदा ते फिर मैं वेखना वा किहड़े पार्लीमेंट दे अगे बह के स्पीकर दे तकरीर ते सर जांदा। जिथे जुलम नू रोकन दी कुव्वत ताकत मौजूद नहीं रोकदे ओ जालिम दे नाल ओ बंदे भी शामिल होंगे अल्लाह दे अज़ाब विच जिहड़े कुव्वत रखन दे बावजूद भी जुलम करन वाले दा हाथ नहीं रोकदे। अल्लाह पाक दे कुरान दे जरा गौर करना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यौम ला यन्फ़ऊ ज़ालिमीन मअज़िरतुहुम यौम ला यन्फ़ऊ ज़ालिमीन मअज़िरतुहुम ولهم اللعنة ولهم سوء الدار। अल्लाह रब इज़्ज़त फरमांदे ने कयामत वाला दिन होएगा यौम ला यन्फ़ऊ ज़ालिमीन मअज़िरतुहुम। अज वक्त ही अगर किसी ते जुलम किया ते अज टाइम है वक्त है मुद्दत है मोहलत है कयामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदे ने यौम ला यन्फ़ऊ ज़ालिमीन मअज़िरतुहुम। कयामत वाले दिन किसी जालम की माजरत ओदे जुलम तो फायदा नहीं दे सकेगी। बड़िया माजरत करेगा बड़े मिन्नत तरले लेकिन कयामत वाले दिन माजरत कम नहीं आएगी। वलहुम लानत वलहुम सूअतार। जुलम करने वाला जेड़ा इंसान है दुनिया ते भी ओदे ते लानत है कयामत वाले दिन भी ओदे ते लानत है ते अल्लाह दी जहन्नम दा पालन बन जाएगा। अल्लाह अल्लाह जुलम किसे सूरत दे अंदर भी है। जुलम बंदे दियां नेकियां नूं जाया कर देंदा जे बर्बाद कर देंदा जे। बंदा हाजी साहब होए बैकग्राउंड ते बंदे ने घरां ते कब्जा कीता जायदादां ते कब्जा कीता है ते उस हाजी साहब दियां नेकियां उहदे काम नहीं आउणगियां। जुलम उस हाजी साहब नूं तबाह बर्बाद करके रख देगा। ये पहली सफ नमाजी है ते बैकग्राउंड ते जुलम दियां दास्तान नहीं बड़ियां ने। इस नमाजी दे इन काम नहीं आउणगियां इहदियां नमाजा। इस जुलम करन वाले नमाजी दे जुलम दी वजह तो इहदियां नमाजा भी तबाह बर्बाद हो जाऊंगियां। एक मैं छोटी जी मिसाल देना सही बुखारी दे विचों। एक नेक खातून है अल्लाह वाली खातून है और नमाजा पढ़ती है मुसलमान माने अच्छी खतून है। इन्ने दिल दे विच रहम मुक गया है। इन्ने घर दे विच बिल्ली नू बन के रखिया होया है ते उस बिल्ली नू भुखा रख के इन्ने जुलम करके मार छड़े है। नबी पाक फरमांदे ने मेरे सेवा पियो उस एक बिल्ली दी जान ते जुलम करन दी वजह तो अल्लाह पाक ने उस औरत दियां नमाजा जाया करके उन्हू जहन्नम दा पालन बना दिता है। इन्नमा युअख्खिरुहुम यारो ते एक बिल्ली दी गल है।
इंसान ते अशरफ मखलूकात ने इन्हां ते जुल्म मेरा अल्लाह किवें बर्दाश्त करेगा। मेरे अल्लाह ने ते जानवरां ते जुल्म करन दा भी सानू इख्तियार नहीं दिता। शरीयत ने दीन इस्लाम ने सानू रोकिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने दे अंदर एक ऊंट बिदक के आए। ऊंट जेड़ा एक बावला हो गया है ते मच्छर के आए किसे दे काबू नहीं आ रहा। नबी पाक दे कोल शिकायतां पहुंचिया। अल्लाह दे नबी जी ऊंट जेड़ा है बावला हो गया है, ऊंट जेड़ा है किसे दे काबू नहीं आता। नबी पाक उस ऊंट वल चल के गए। मैं सदके ते कुर्बान जावा सोने तेरिया अजमतां तो। अल्लाह पाक ने तेनों कैसिया शाना दा फरमाइया ने। सारे सहाबा ऊंट तो डरते ने। नबी पाक नो जो ऊंट वेखद नबी पाक दे कदमा दे वेच अपना सर तर छड़दा है ते नाल ना जुबाने हाल नाल शिकायतां लाउंदा है। अल्लाह दे नबी मेरा मालक मैनू चारा थोड़ा देंदा है, मेरे कोलो कम ज्यादा लेंदा है। कायना दे लोगो मैं बिना साडा ते बार आना जाना ज्यादा रहिंदा है। खच्चर होए या गदा होए इतना ओदे ते समान लद दिता जांदा है। ओदी कुव्वत ते सकत तो ज्यादा अल्लाह ने इंसान तेनू कुव्वतां ते अता कीतियां ने। अल्लाह ने तेनू इख्तियार ते दिता है लेकिन अल्लाह पाक ने तेनू इख्तियार नहीं दिता कि तू अल्लाह पाक दी इस मखलूक ते जुलम करे ज्यादती करे। ते सहाबा बयान करते ने उस ऊंट दियां अखां ते विचों पानी दे कतरा असी खुद वेखे। ओ ऊंट नबी पाक दे सामने रोंदा है इल्तिजा करदा है अल्लाह दे नबी जी मेरा मालक जेड़ा मेरे कोलों कम ज्यादा लैंदा है मैनू चारा थोड़ा देंदा है। नबी पाक फरमांदे ने इहदे मालक नूं बुलाया जाए। बुलाया मालक नूं नबी पाक फरमान लगे ऐ मेरे सहाबी ऐ तेरा ऊंट तेरे शिकायत पिया करदा है इहदे ते जुल्म ना करया कर इहदे ते ज़ियादतियां ना करया कर जिन्ना इहदे कोलो कम लैना है ओना ही इहनूं चारा भी खिलाया कर। इन्ना काम जिन्ना लेना ओना इनू चारा भी खिलाया कर। अल्लाह अल्लाह जुलम जेड़ा है ए ते बंदे वास्ते बबाले जाने। नबी पाक फरमांदे ने अज़ुल्म ज़ुलमात ही अवमल कियामा। कियामत वाला दिन होएगा बंदा चलन दी कोशिश करेगा। जुलम जेड़ा है बंदे दे इर्दा गिर्द इतना अंधेरा कर देगा बंदा चल नहीं सकेगा। अंधेरा इतना हो जाएगा बंदा जुलम दे अंधेरिया दे अंदर ही फंस जाएगा। जुलम दे अंधेरिया दे अंदर ही बंदा फंस जाएगा। अल्लाह 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 तेरे जुलम करन तो बाज रहना है। किसे इंसान ते भी जुलम नहीं करना, किसे जानवर ते भी जुलम नहीं करना। अल्लाह पाक ने जुलम जेड़ा है अपने आप ते भी हराम कीता है, अपने बंदे आते भी अल्लाह ने इस जुलम नो हराम कीता। तवज्जो मेरे वर रखे आजे 2448 नंबर हदीस पाके सही बुखारी दे अंदरों पढ़न लगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला नो हदीस पाक दे रावी ने। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला नु हदीस पाक दे रावी। तवज्जो मेरे वल रखिया जे। नबी पाक हजरत मुआज़ नु यमन वल रवाना करदे पए ने तबलीग वास्ते। नबी पाक फरमांदे ने मुआज़ यमन टुर जा ते उथे जाके लोगां नु दीन सुना दे, लोगां नु दीन दी तबलीग कर दे। नबी पाक ने हजरत मुआज़ नु सवारी बिठाया ते नबी पाक नाल पैदल चलते पए ने। नबी पाक फरमान लगे मेरे मौज इस चीज की दावत पहले देनी है फिर इस चीज की दावत दे।
दावत अल मज़लूम फ़इन्नहा लैसा बैना व बैनल्लाहि हिजाब। ऐ मुआज़ यमन वाले चलना है लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, किसे ते जुल्म नहीं करना, क्योंकि जेड़ा मजलूम हुंदा है वो जदों अल्लाह पाक दे अगे हाथ उठांदा है मजलूम बंदे दी दुआ ते अल्लाह दे अर्श दे दरमियान अल्लाह ने पर्दा रखिया ही कोई नहीं, अल्लाह ने दरमियान विच कोई पर्दा हायल नहीं कीता। मजलूम बंदा अपनी जुबान चो टुटे कलिमात अदा करदा, मजलूम बंदा अपनी जुबान चो जुमले बोलदा है, मजलूम बंदा अपनी जुबान दे विचो कलिमात अदा करदा, अल्लाह उस वक्त ही उन्हां कलिमात नूं कबूल कर लैंदे ने ते जालिम बंदे दा बेड़ा गर्क हो जांदा है। अल्लाह जालिम बंदे नूं उस वक्त पकड़ लेंदे ने, या अल्लाह मोहलत दे छड़ दे ने, बिलाखर अल्लाह जालिम बंदे नू पकड़ लेंदे ने। मैं एक और रिवायत दे अंदर पढ़िया नबी पाक फरमांदे ने मजलूम दी बददुआ तो बच जाओ, मजलूम अगर चे काफर भी क्यों नहीं, अगर वो काफर बंदा ओदे ते भी जुल्म होया है ते वो काफर भी अल्लाह के हाथ उठा दे ते काफर भी होए मजलूम होए ते अल्लाह ओदी भी दुआ रद्द नहीं जे करदा। अल्लाह मजलूम काफर दी भी दुआ रद्द नहीं करदा। हाय हाफिज़ इब्ने हजर रहिमहुल्लाह ताला ने ना एक किताब लिखी है, किताब उज़्ज़वाज़िर अरबी के अंदर है। इधर अंदर हाफिज़ साहब ने ना एक वाक्य नकल फरमाया, हाफिज़ इब्ने हजर रहिमहुल्लाह ताला नकल फरमाते ने एक बंदा है अरब के इलाके के अंदर दुहाइयां देंदा कलियां दे अंदर, और लोगो मैनू वेखो मैं अल्लाह दी पकड़ दा शिकार होया, और लोगो मैनू वेखो मेरा एक बाजू कोई नहीं मैं अल्लाह दी पकड़ दा शिकार होया, अल्लाह पाक दा मेरे ते अजाब आया है, एक बंदे नाल मैं जुलम कीता उस जुलम दी वजह तो अल्लाह दी पकड़ मेरे ते आ गई है। वकलानिका अखज़ रब्बी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमांदे ने जुल्म करन वालियां नूं अल्लाह आखर पकड़ ही लैंदे ने, अल्लाह दी पकड़ आ ही जांदी है। ए बंदा दुआइयां देंदा है अरब दे इलाके अंदर, लोगो वेख लो है मेरा बाजू जेड़ा है वेख लो कट गया है, एक मजलूम दी बददुआ लग गई है, अल्लाह पाक दी पकड़ आ गई है मेरे ते। ते अपना वाकया बयान करदा है हाफिज़ साहब, लिखते ने एक गरीब बंदा है दरिया के किनारे टुर जांदा है ते जाके उठे जाल ला के मछलियां पकड़दा है, मछली पकड़ के ते फरोख्त करके अपने पुत्रां दा पेट पालदा है, अपने बीवी बच्चियां दीयां रोजियां कमांदा है। ये जेड़ा बंदा है ये जेड़ा जुलम करन वाला जेड़ा आवाज़ां लांदा है लोगो मेरा बाजू चेक करो, ये अल्लाह पाक दी पकड़ अंदर मेरा बाजू कट गया है,
ये बड़ा चौधरी है, वडेरा आदमी है, एदी मलकियत है, बड़ा असर सुख रखने वाला आदमी है। एक दिन दरिया के किनारे ते आंदा है, आगे की वेखदा है कि एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी ताजी मछली और बड़ी मोटी मछली ने शिकार की थी गरीब आदमी ने। ते ए पता किया ने यार ए जड़ी मछली है ए कादे वास्ते। कहन लगा जी ए मैं शिकार कीता, मैं इस मछली नु बेचांगा, शाम नु कोई दो चार हमने कह ले जाऊंगा, मेरे पुत्र खा लेंगे, मेरी बीवी खाएगी, मेरे बच्चे खाणगे। ए जड़ा असर रखू रखण वाला चौधरी है ना, ए उस सा उस बंदे दे कोलो गरीब आदमी दे कोलो मछली पकड़ लैंदा, खो लैंदा, छीन लैंदा है। मैं ते पड़े आए कि ओनू मारदा गी ए कुटदा गी ए, ओदे कोलो मछली खो के अपने घर रवाना हो जांदा। ते रस्ते च जांदे आ जांदे आ मछली जेड़ी है इस चौधरी दे इस अंगूठे नू चक मार लैंदी है, दंद मार लैंदी है। होया कि ए घर पहुंचे है, मछली रखी है ते हल्की हल्की अंगूठे दे विच दर्द शुरू हो जांदी है। तबीब दे कोलो सुबह पहुंचदा है, हकीम कहन लगा जी तुहाडे अंगूठे नू मसला बन गया, जख्म बढ़ गया है, ये अंगूठा कटना पएगा। अंगूठा कट दिता जांदा है, दो चार दिन गुजरदे ने, दर्द फिर शुरू हो जांदा है, दर्द जेड़ा रुकता नहीं, दर्द जेड़ा और ज्यादा बढ़ जांदा है। ये फिर हकीम ते तबीब दे कोल जांदा है। वो हकीम कहन लगा चौधरी साहब हाथ कटना पएगा, हाथ कटना पएगा, किसे ते जुलम ना करी। मैं ते पढ़िया लईसा बैन अल्लाह फैनहा लईसा बैनहा व बैन अल्लाह जाग। अल्लाह ते उस मजलूम बंदे दे कलमा ते दौरान कोई पर्दा हायल नहीं, वो अपनी जुबान चो कलिमात बोल दिया ते रब पूरे कर छड़दा है। ते ए हकीम कहन लगा हाथ कटना पएगा, एदा हाथ कट दिता गया। ते थोड़े दिन दो तीन दिन गुजरे, जख्म फिर बढ़दा जा रहा है। ते ए चौथे पंजवे छठे सातवें दिन फिर उस हकीम दे कोल पहुंच जांदा है। हकीम साहब कहन लगे चौधरी साहब जख्म ते बढ़ गया है, बाजू पूरा कटना पएगा, पूरा बाजू तेरा कटना पएगा। नाली इनू सोच आ गई आखिर इस तरह मेरे नाल क्यों हो रहा है। ते ओ हकीम कहन लगा कोई चौधरी साहब कोई गुनाह ते नहीं इंज दा कर बैठे जिहदी सजा है। इनू फिर याद आया मैं ते उस मछली फरोश नाल जुलम कीता है, ज़ियादती कीती, ओहदे कोलों मछी खोल के लैके आया ते नाले ओहनू मारिया कुटिया भी है। कहन लगे हकीम साहब के उस बंदे नू तलाश कर, जे तू बचना चाहना है फिर उस बंदे नू तलाश कर ले, ओदे कोलो माफिया मंग ले, नहीं तां जहर पूरे जिस्म च फैल जाएगा। इने उन्हों तलाश करना शुरू कर दिता। तलाश करदिया करदिया आखिर कोई सत अठ दिन तलाश करन तो बाद ओ मछेरा मछलियां वेचण वाला इनू मिल जांदा है। ते मिलन तो बाद पता की यार मैनू पहचान आए। ये कहन लगा मैं तेनू पहचान गया, तू फला चौधरी है जिन्हें मेरे ते जुलम भी किया, मेरे को मेरे बच्चों का रिजक खो के लै गया, मेरे को मेरे बच्चों का रिजक खो के लै गया सै मेरे ते जुलम करके। ते कहन लगा उस जुलम की दास्तान वेख ले, अद्धा बाजू कट के आए। ये पुछद यार जो मैं तेरे को मछली खो ली सी तू मेरे वास्ते केड़े कलिमात बोले सन। ते ओ मछली दा मछेरा बुजुर्ग गरीब आदमी पता की आंदा है, चौधरी साहब मैं ते कुछ भी नहीं सी बोलिया, मैं ते इन्नी ही गल बस कीती सी उस अल्लाह अगे। अल्लाह अज मैं कमजोर आ ए ताकतवर, अल्लाह तेरियां ताकतां अगे एदी ताकत दी हसीयत कोई नहीं। अल्लाह इनू आप ही पूछ ले,
अल्लाह इनू आपे ही पूछ लई, अल्लाह इहदे कोलो आप ही इंतकाम ले लई। उस मछेरे दे सामने हाथ जोड़दे मिन्नत करदे तरले करदा है ते ओ कहिंदा यार ठीक है मैं तैनू अल्लाह वास्ते माफ कर दित्ता है। ते उस तो बाद हाफिज इब्ने हजर लिखदे ने उठे ही ओदा जख्म रुक भी जांदा है ते ठीक भी हो जांदा है। अल्लाह पाक मजलूम बंदे दी बद्दुआ रद्द नहीं करते। सुनन तिरमजी दी हदीस पाक है, हजरत अब्दुल्ला बिन हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस पाक दे रावी ने। ये हदीस पाक मुख्तलिफ किताबा अंदर सुनन इब्ने माजा अंदर भी है, मुसनद अहमद अंदर भी है। और ये हदीस पाक जिहड़ी है ए सिलसिला हदीसे सही अंदर भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने सलासु दावातिन मुस्तजाबातुन ला शक फीहिम्मा। या नबी पाक दी निकली जुबान विचों अल्फाज गलत नहीं हो सकते। नबी पाक फरमांदे ने तीन बंदे ऐसे ने जिन्ना दी अल्लाह दुआ कदी रद्द नहीं करदे, जिन्ना दी दुआ जुबान चो निकल जान ना अल्फाज ला शक काफी हिन्ना ला शक काफी हिन्ना ला शक काफी हिन्ना। अल्लाह पाक दे सोने पैगंबर फरमांदे ने जेड़ा बंदा ए तीन बंदे जेड़े अपनी जुबान चो दुआ कर देन इन्ना दी दुआ कबूल होण दे विच कोई किसे किस्म दी शक ला शक काफी हिन्ना कोई शक नहीं किसे किस्म दे इन्हों की दुआ की कबूलियत अल्फाज निकलन की देर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने दावतुल वालिदी जड़ा पुत्र अपने बाप को दुआ करवाउंदा है अल्लाह की दुआ कबूल कर लेंदे ने। बाप की खिदमत करया कर दुआवां करवाया कर बाप को मैं ते वेना मुआशरा ही उल्ट हो गया बदल गया है। चार पांच दिन पहले मैं एक नेट ते वीडियो वेखी खुदा दी कसम दिन रोन लग पे है अखा चो आंसू निकल आए ने। बाप के तीन पुत्र ने तिने पुत्र जेड़े ने नशा करते ने ते गलत रस्ते ते चलते ने ते बाप नू आंदे ने जायदाद साडे नाम कर दे भैणां नू विचों महरूम कर दे। ते इन्हां पता की कीता है छे महीने हो गए ने बाप नू कमरे दे अंदर लत्तां दोवां नू संगलियां मार के ते दोने हाथ इंज जोड़ के संगल मार के फरिश्ते उत्ते सुट छड़े। अल्लाह अल्लाह बाप नाल भी जुलम बाप नाल भी जुलम। ए दौलत दी खातर ए पैसे दी खातर ए जनाब जायदादां दी खातर बाप नाल भी जुलम करना है। कमलिया चलिया तेनू की पता है ना धुप रहनी ना छां बंदिया ना धुप रहनी ना छां बंदिया ना प्यो रहना ना मां बंदिया ए सब कुछ इत्थे रह जाना इक रहना रब दा ना बंदिया ना धुप रहनी ना छां बंदिया कोई चीज नहीं रहनी सब कुछ इत्थे छड़ जाना है कादी फिर जुलम जे आती है। वो इंटरव्यू लेने वाला पहुंचता है बेटे नू पुछदा है बाप किथे बेटे दी बगावत चेक करिया जे बेटा कहन लगा बाप बाहर काम गया है मजदूरी करन गया है। दरवाजा खोलिया खुदा दी कसम दरवाजा कमरे का खोलिया सोफा पे है सोफे दे नाल थले फर्श ते बाप दियां दोनों लत्तां नूं भी संगल है दोनों हत्थां नूं भी संगल है। बाप दी एडी एडी सुवैद दाढ़ी है। अल्लाह अकबर। और बाप अपनी जुबान नाल बोल के आंदा है
कि 6 महीने हो गए ने मैनू इन्हां ने ऐसे कमरे अंदर कैद किया है, ऐसे कमरे अंदर मैनू कैद किया है 6 महीने हो गए ने। ते बाप बोल के आंदा है अज 6 दिन हो गए ने मैं कुछ खाधा भी नहीं ते कुछ पीता भी नहीं, कुछ खाण नू भी नहीं दिंदे ते कुछ पीण नू भी नहीं दिंदे। अल्लाह तू किवें दियां हमदर्दियां मां बाप दे दिलां च रखियां ने। इंटरव्यू लैन वाला आंदा है अच्छा जी बजुर्गो अपने पुत्रां वास्ते कोई बद्दुआई करदे हो? ए बाप बोल के आंदा है मैं बद्दुआ नहीं कर सकता, मेरी औलाद मेरी औलाद मैं नहीं बद्दुआ दे सकता। बाप दा दिल एडा नरम, पुत्रां दे दिल एडे सख्त, जुलम दर जुलम, जुलम दर जुलम, जुलम एक बिल्ली ते होए ते रब माफ ना करे, जुलम ऊंट ते होए ते सोना पैगंबर बर्दाश्त ना करे। ते जिथे जुलम बाप जैसी हस्ती ते हो रहा होए उथे रहमत दियां उम्मीदां किंज रखियां जा सकदियां ने? नबी फरमांदे ने दावतुल वाले दी बाप को दुआ लिया कर, बाप दी दुआ अल्लाह कदी भी रद्द नहीं जे करदा। ते दूसरे नंबर ते नबी पाक फरमांदे ने दावतुल मुसाफिर, ओ मुसाफिर बंदिया को दुआ करवाया करो। राई मुसाफिर कोई रस्ते च नेक बंदा टक्कर पे ना ओनू आखिया कर मेरे वास्ते दुआ कर दे। मुसाफिर बंदे दी दुआ दे अंदर भी कोई किसे किस्म दा शक नहीं होंदा। वतावतल मज़लूम, मज़लूम बंदे दी दुआ दे अंदर भी कोई शक नहीं होंदा। इधरों मज़लूम बंदा जुबान चो कलिमा अदा करदा है अल्लाह उसे वक्त ही उन्हां कलमियां नूं कबूल फरमा लैंदे ने। मैं ते हदीसे पाक पढ़ी है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करदे ने सही अल जामे लिल अल्बानी अलामा अल्बानी दी किताब 118 नंबर हदीसे पाक। जगां दे पीर फरमांदे ने जेड़ा इत्तकु दावत अल मज़लूम फइन्नहा तस्अदु इलस्समा कअन्नहा शरारतुन। ओ मज़लूम दी बद्दुआ तो बच जाओ, मज़लूम दी बद्दुआ आसमान वाले इंज जांदी है जिवें अग दे अंगारे आसमान वल जांदे ने, इंज मज़लूम दियां बद्दुआवां जांदियां ने। मज़लूम दी जबान चो निकलन वाले कलिमात नू अल्फाज ना समझिया कर, मज़लूम दी जबान चो निकलन वाले कलिमात नू जुमले ना समझिया कर, मज़लूम दी जबान चो निकलन वाले कलिमात नू चंद अल्फाज दा मजमूआ ना समझिया कर। ज़ालिम बंदे दी जिंदगी दे विच तीर समझिया कर, ज़ालिम बंदे दी जिंदगी दे जिस्म ते ओ तीर बन के वरसदे ने। जिहड़ा बंदा दुनिया दे अंदर भी ये वाकया नकल है। ए मुहम्मद बिन सरीन बैतुल्ला दा तवाफ पे करदे ने, एक बंदा इन्हां ने वेख्या, ओ बंदा अखां तो भी नबी नाए, उदा एक बाजू भी जड़ा सुकड़ चुके आए, ते बैतुल्ला दे द्वारे चक्कर ला के आंदा है। अल्लाह मैनू माफ कर दे, अल्लाह मैनू माफ कर दे, अल्लाह मैनू माफ कर दे। जे नाल पता की आंदा है अल्लाह मैनू पता है तू माफ नहीं करना। इमाम मोहम्मद बिन सरीन आंदे ने
बदबख्ता केड़ी जगह ते खड़ा है ते किवें दे करीमात बोलना है, इत्थे ते जमाने दे पापी भी आ जान ते मेरा अल्लाह माफ कर छड़ जाए, इत्थे ते गुनेगार गुनावां दी दलदल अंदर उत्तो थल्लो लिप के भी आ जान ते मेरे मालक दी रहमत हो जांदी है। ए बंदा कहन लगा हाफ़ जी मैनू पता है मैनू मेरे अल्लाह ने माफ नहीं करना। आंदे ने क्यों तेनू क्यों यकीन है, एक गल सुनान लग पे अपना वाकया सुनान लग पे है। आंदा जी मैं हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु दे दुश्मनां दे विच शामिल सा, मैं अपने एक दोस्त नू नाल लिया ते मैं नाल लै के ना हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु जदों इन्हां नू शहीद कर दिता गया ना ते मैं इन्हां दे घर दे अंदर पहुंचया, मैं वेखिया अपने दोस्त नू नाल लै के गया, मैं जाके वेखिया हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत नाइला रजी अल्लाह तआला अन्हा दी गोद विच सर रखे आए ते जामे शहादत नोश कर गए ने ते उपर इंज कपड़ा दिता होया है। मेरा जेड़ा मेरे नाल दोस्त है ना ये कहन लगा जाके हजरत नाइला रजी अल्लाह तआला अन्हा नू के हजरत उस्मान दे चेहरे तो कपड़ा हटाया जाए। मां जी नाइला पुछदिया ने क्यों कपड़ा हटाना है, वजह की है, ये बोल के आंदा है मैं हजरत उस्मान दे चेहरे ते थप्पड़ मारना चाहना। माज़ल्ला हजरत नाइला रजी अल्लाह तआला अन्हा इन्हू फजाइल दस दिया ने सैयदना उस्मान दे, ये फजाइल सुनता है, फजाइल सुनन तो बाद जेड़ा एदा दोस्त है वो टुर जांदा है, जेड़ा ये बंदा है जेड़ा बैतुल्ला दे करीब खड़ा है, एक बाजू भी कोई नहीं, अखा भी नवीनिया हो चुकिया ने, ते ये पता की करदा बदबख्त ज़ालिम इंसान, पता की करदा इंज जोर नाल मां जी नाइला दे कोलों कपड़ा छुड़ा के कपड़ा साइड ते करके हजरत उस्मान दे हया वाले चेहरे ते जोर नाल तमाचा मार दिंदा। हाय अल्लाह इस बंदे दी बदकिस्मती, इस बंदे ने जुलम करके रब दी जहन्नम खरीद ली है। जुलम किस शख्सियत ते करदा पिया है, जिस शख्सियत दे बारे नबी पाक फरमांदे ने उस्मान मुहम्मद दियां 40 बेटियां भी हुंदियां वारी वारी तेरे निकाह विच दिंदा जांदा, उस शख्सियत च वेट मारी है थप्पड़ मारे है तमाचा मारे है। मां जी नाइला ने तीन बदवावां दित्तियां, तीन बदवावां मैं बयान कीता है। फइन्ना तसादु इल समाइ शरारतुन, मजलूम बंदे दी बदवा जड़ी है आसमान वाले इंज जांदी है जिवें अज अग दियां अंगारियां उड़दियां ने, इंज आसमान वाल मजलूम बंदे दी बदवा जांदी है। मां जी नाइला ने तीन बदवावां दित्तियां, अल्लाह इहदा हथ जिहड़ा है उहनूं फालज पै जाए, अल्लाह इस नूं नबीना कर दे, अल्लाह इस बदबख्त नूं कदी माफ ना करी, अल्लाह इस बदबख्त नूं कदी माफ भी ना करी। ते ये बंदा पता की आंदा हाफिज़ जी इमाम मुहम्मद बिन सरीन, जदों मैं उस महल जो बाहर निकलिया मेरा हाथ भी सुक गया, अल्लाह ने मेरी अखां दी बिनाई भी खत्म कर दिती है। आसमान वाल इंज जांदी है, मजलूम बंदे दी पुकार ते बद्दुआ आसमान वाल इंज जांदी है, जिवें अग दियां अंगारियां उड़दियां ने इस तरह आसमान वाल पहुँचदी है। हुण मां जी नाइला दियां दो बद्दुआवां ते पूरियां हो गईयां ते हुण इह बैतुल्ला दा तवाफ करदा है, ते तीसरी दुआ जिहड़ी है ना मां जी नाइला दी
दी नाले तवाफ कर दे ते दे सेन विच तीसरी दुआ भी है जड़ी माँ जी नैला ने बदुआ की थी है आंदा मैनू बाजू भी मेरा सुक गया है अखा दी बिनाई भी मुक गई है ते हुण तीसरी भी दुआ दा मैनू इंतजार है ये भी अल्लाह ने पूरी कर देनी है मैनू लगता है मेरे अल्लाह ने मैनू माफ भी नहीं करना मेरे अल्लाह ने मैनू माफ भी नहीं करना यार जुलम जेड़ा ए सोच का करना है जुलम तो पहले सौ वरी सोचना है अगर जमाने ते जुलम कर भी बैठे हो ते जाके माफी मांग लो जे किसे दी जायदाद ते कब्जा कर बैठे हो जाके माफिया मांग लो जे किसे भैन जुलम कीता है जाके माफिया मांग लो जे किसे ने अपनी माँ बाप नाल जुलम कीता है ते माफिया मांग लो अज माफ मंग अज माफी मांग लोगे ते अल्लाह पाक माफ फरमा देंगे ते जे माफ नहीं ना माफी नहीं ना मंगोगे ते क़यामत वाला दिन होएगा अल्लाह पाक मजलूम बंदे नु भी सामने खड़ा कर लेंगे जालिम बंदे नु भी सामने खड़ा कर लेंगे मजलूम बंदे नु नेकियां दितियां जान जुलम दे बराबर नेकियां दे के जान छुटेगी नेकियां मुक जानगियां बदला लैण वाले खलोते होणगे अल्लाह कहेगा इस जालम बदबख दे नामा अमाल दे विच मजलूमा दे गुनाह कढ़ कढ़ के पा दिते जाण अल्लाह अकबर कबीरा मजलूम बंदियां दे गुनाह उठा उठा के जो जालम दियां नेकियां मुक जाणगियां ना जालम बंदे नूं उहदियां नेकियां फायदा नहीं देणगियां मेरी गल याद रख लो भावें नमाजीए भावें हाजीए भावें रोजेदार है जालम बंदे नूं उहदियां नेकियां फायदा नहीं देणगियां ये नेकियां जुलम की जात अंदर या दुनिया ते कट जाणगियां या क़यामत वाले दिन रब की अदालत लगेगी अल्लाह पाक जुलम दे बराबर मजलूम नुदियां नेकियां तकसीम कर देंगे ये नेकियां तो खाली हो जाएगा नेकियां तो आरी हो जाएगा एदा नामा अमाल नेकियां तो फारिग हो जाएगा ते फिर जुलम इन्हें कीता होएगा बंदे बदला लैन वाले खलोते होंगे एदे नामा अमाल दे अंदर मजलूमा दे गुनाह उठा उठा के एदे नामा अमाल दे अंदर दर दिते जाएंगे वयौमा या अस्सुज़ालिमु अला यदैही फिर अपने हत्था ते चक वड्डेगा कट्टेगा फिर अफसोस करेगा हाय ओ जायदाद जिन्हें ते मैं गलत कब्जा कीता दुकान जिन्हें ते मैं गलत कब्जा कीता बाप ते जुलम कीता भाइयां ते जुलम कीता बहना ते जुलम कीता रिश्तेदारां ते जुलम कीता मुसलमाना ते जुलम कीता काश ओ मैं जुलम ना करता अज मैनू ये जिल्लत ते रुसवाइयां वेखणियां ना पैंदियां बचना चाहते हो जिल्लत ते रुसवाई तो अज ही अपना दामन पाक कर लो जुलम तो अज ही उस मजलूम बंदे दे कोलो जाके माफिया मांग लो ते अल्लाह पाक माफ कर देंगे नहीं ते मजलूम बंदे दी आहो बका ते अल्लाह दे अर्श दे दरमियान माल के कायनात ने पर्दा कोई नहीं रखिया अल्लाह उस वक्त कबूल फरमा लेंदे अल्लाह पाक अमल दी तौफीक नसीब फरमाए जुलम तो महफूज फरमाए बमा अलैना इल्ल बलाउल मुबीन।